रात में नारियल का तेल इस तरह से लगाइए, चेहरा एक ही दिन में इतना ज्यादा चमकदार हो जाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नैना। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू गेट ग्लोइंग सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा डलनेस दिखाई देने लगी है, बहुत ज्यादा रूखापन आपकी स्किन के अंदर है, तो आज की मेरी इस वीडियो में एक कमाल की DIY आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। एक बार यूज करोगे तो स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट आपको फील होगी, इतनी क्लीन और इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी कि आप अपनी स्किन से प्यार करने लगेंगे। मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कोकोनट ऑयल को कैसे इस्तेमाल किया जाए आपकी स्किन के लिए, जो कि आपकी स्किन को स्मूथ भी बनाता है, सॉफ्ट भी बनाता है। देखिए, मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि पैराशूट का जो ये कोकोनट ऑयल है, इसको हम अपने स्कैल्प, अपने बालों, अपने स्किन पर भी यूज कर सकते हैं, प्लस हम इसको खा भी सकते हैं। पैराशूट का ये कोकोनट ऑयल काफी ज्यादा प्योर भी होता है, सो इसीलिए मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका जो ये ऑयल है काफी ज्यादा जमा हुआ है और इसको हमें मेल्ट करना है, तो इसके लिए हमें डबल बॉइलिंग प्रोसेस की जरूरत होगी, जिसके लिए मैंने एक बर्तन के अंदर गर्म पानी को रखा और हम इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो नारियल का जो तेल होता है स्पेशली, ये स्किन के पोर्स के अंदर जाकर वहाँ से डीप क्लींजिंग का काम करता है, साथ ही साथ ये आपके स्किन को डीप नरिशमेंट देने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से नारियल के तेल को यूज़ करोगे अपने फेस के लिए, तो ये आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और मक्खन की तरह सॉफ्ट भी बना देगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल की जरूरत होगी। तो यहाँ पर एक बॉल के अंदर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नारियल का तेल। उसके बाद गाइस, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, ये है लेमन। देखिए, दो चीज जब ये एक साथ मिलती है, इनका कॉम्बिनेशन जब साथ में मिलता है, तो नारियल का जो तेल है वो डीप हमारी स्किन को स्मूथ बनाने और चमकदार बनाने में मदद करता है, वहीं लेमन हमारी स्किन की अंदर से जमी हुई डर्ट, हमारे पोर्स के अंदर से जमी हुई डर्ट एंड पोल्यूशन को साफ करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर लेमन जूस, और इसके बाद गाइस यहाँ पर लास्ट में आपको क्या ऐड करना है, आपको लास्ट में यहाँ पर ऐड करना है इसके अंदर 1 चम्मच कच्चा दूध। दूध डाल देने के बाद अब हम इन तीनों चीजों को प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो सॉल्यूशन तीन चीजों का मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है दोस्तों, ये आपके चेहरे को बहुत ही ज्यादा क्लीन कर देगा। आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डीपली डर्ट पोल्यूशन वगैरह है, उन सबको ये निकालने में बहुत ही ईजी तरीके से हेल्प करेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। एक कॉटन लीजिए, कॉटन पैड को इसके अंदर डालिए, इसको अच्छे से डिप कर लीजिए कॉटन के अंदर, सारा जो सॉल्यूशन है कॉटन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इस कॉटन से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है इसको, एंड जेंटली आपने धीरे धीरे से इसको रब करना है अपने फेस पर। डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो आंखों के नीचे भी हल्के हल्के हाथ से कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको क्लीन कर लेने के बाद, अगर तो आपके पास टाइम है और आप बैठ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए फेस पर ही लगाकर रहने दीजिए, और उसके बाद ताज़े पानी से आप अपने स्किन को साफ कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। लेकिन हाँ, आपको साबुन या फेस वॉश यूज नहीं करना है, तो इससे आपके चेहरे में आएगी नेचुरल चमक और आपकी ड्राइनेस हो जाएगी कम्प्लीटली दूर। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।